नमस्कार स्वागत करते हैं आज की बड़ी खबर में भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ा झटका जो है वो दे दिया है इस वक्त नीतीश कुमार को जानिए क्या है बड़ी अपडेट ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव को अब झाड़ फूंक कराने की जरूरत तो बड़ी खबर इसके साथ राहुल गांधी ने संपूर्ण शराबबंदी वाले गुजरात को लेकर के कैसे घेरा भारत के प्रधानमंत्री को इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देखिए इसके साथ आज की बड़ी खबर बात करेंगे कैसे लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बाद में आज कार्रवाई सदन की खत्म कर दी गई है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ कराने की तैयारी कर रहे हैं बड़ी अपडेट जानकारी सामने आ रही है संपूर्ण शराबबंदी को लेकर के भी बिहार से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है जो आपको विस्तार से सभी खबरों को दिखाएंगे इसके साथ आज की खबर में बताएंगे कैसे टीएमसी की जी हाँ सबसे बड़े नेता पार्क चटर्जी के ऊपर मुकदमे डाले जाने के बाद में पार्क चटर्जी न पड़े और अब बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की तो केजरीवाल अब एक बार फिर से गुजरात में करेंगे अपने आप को मजबूत इसके साथ आज की बड़ी खबरों में बात करेंगे कैसे जी हाँ बिहार से लेकर के तमाम अन्य राज्यों तक जबरदस्त बारिश के आसार देखे गए हैं मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट इसके साथ बात करेंगे कैसे एक बार फिर से जी हाँ लगातार शौचालय के पैसों को लेकर के सरकार दे रही है राशन राशि राशन कार्ड धारकों के लिए क्या है नई अपडेट वीडियो के अंत तक संपूर्ण जानकारी बताएंगे किसान नेता राकेश टिकैत ने किसानों का समर्थन करते हुए रेलवे स्टेशनों पर किया सरकार का विरोध जानिए इस वक्त की बड़ी खबर इसके साथ बात करेंगे कैसे जी हाँ छोटी बड़ी सभी खबरों को विस्तार से देखेंगे उससे पहले इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बढ़ते हैं बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है इस वक्त भाजपा को लेकर के भाजपा ने एक बार फिर से अपनी तैयारियों को शुरू कर दिया है लोकसभा के लिए या विधानसभा के लिए ये तो वक्त के साथ पता चलेगा लेकिन सबसे बड़ा खबर आपको बता देते हैं कि 200 विधानसभा सीटों पर भाजपा अपने आप को मजबूत करने के लिए तैयारियों को संपन्न कर चुकी है यानी तैयारियां शुरू हो गई है इस तैयारियों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी अपने आप को काफी हद मजबूत करेगी इसके साथ ही वो अपने आप को मजबूत करने के साथ तमाम अन्य तस्वीरें भी सामने आ सकती है दोस्तों आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को झटका देने का एक नया रंग रूप और रेखाओं को तैयार कर रही है यह है कोई और रीजन कमेंट कर जरूर बताइएगा हमें आपके प्रतिक्रियाओं का बेसब्री से इंतजार है तो कमेंट कर इस वक्त जरूर बताइए बड़ी खबर निकल करके सामने आ रहे राहुल गांधी को लेकर के राहुल गांधी जो है एक बार फिर से सरकार पर काफी ज्यादा तेज हमले कर रहे हैं एक के बाद एक उनका सवाल है उन्होंने कहा है कि युवाओं को रोजगार के लिए सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी भी कार्रवाई को अंजाम नहीं दे रही है और यही कारण है कि लोग परेशान हैं हम परेशान हैं और भारतीय जनता पार्टी चैन की नींद सो रही है हमें आपको आगे आना होगा हमारे और अपने अधिकारों को समझना होगा हम अगर अपने अधिकारों को नहीं समझें तो भारतीय जनता पार्टी हमें काफ़ी हद तक परेशान कर सकती है इसलिए हमें अपने अधिकारों को समझ करके अपने बातों को रख करके आगे बढ़ना होगा इन बातों और विवादों के बीच में मुख्य तौर पर नोटिस कीजिएगा कि राहुल गांधी चौबीस की तैयारियों को संपन्न कर रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त सदन की कार्रवाई संपन्न होने के बाद में बृहस्पतिवार का वो दिन था जब सदन में इस बात की मांग की गई कि सोनिया गांधी जी मा, माफी मांगे द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति से ताकि उन जिस तरीके से लगातार जी हाँ आपको बता दें कि उनके नेता के तरफ से विवादित बयान दिया गया इस पर उन्हें माफ़ किया जा सके लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर शब को चौंका कर रख दी और बड़ी खबर ये थी कि सोनिया गांधी से माफ़ी मांगे जाने को लेकर के सोनिया गांधी ने सदन में माफ़ी नहीं मांगी बाहर जैसे ही निकली तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने उनके ऊपर रहमानों जैसे हमला सा बोल दिया जिसमें कुछ मुख्य नेताओं का नाम भी शामिल है सदन में आज इसको लेकर के विपक्ष ने मुद्दा उठाया विपक्ष ने कहा कि हम जब सदन से बाहर जा रहे थे कार्रवाई खत्म हो गई थी उस वक्त सोनिया गांधी पर अटैक क्यों किया गया बड़ी खबर आ रही है इस वक्त सदन की कार्रवाई जी हाँ आपको बता दें कि 18 तारीख से शुरू हो गई थी 18 जुलाई का वो वक्त था जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई थी सदन में अक्सर विकास के मुद्दे और तमाम बेसब्रियों से जो जनता को इंतज़ार होता है सदन की उस पर चर्चाएं होती हैं लेकिन चर्चा किसी अन्य चीज़ों पर होने लगी और अन्य चीज़ें कोई और बिल्कुल भी नहीं अन्य चीज़ें इस बात को लेकर के कि सदन की कार्रवाई कैसे संपन्न की जाए सदन में लगातार विपक्ष को घेरने की तैयारी हो रही है पक्ष के द्वारा तो पक्ष में भी विपक्ष को घेर रहा है अब इन्हीं सिलसिले के बीच में सदन की कार्रवाई सोमवार तक स्थगित कर दी गई है यानी सोमवार तक अब कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी सांसद भवन के अंदर के कई नियम और कानून बनाए गए लेकिन इन नियमों और कानूनों के बीच में भारतीय जनता पार्टी जो है विपक्ष को खूब घेरी लेकिन विपक्ष मानने को तैयार नहीं और अपने हक अधिकार क्षेत्र को पालन करते हुए आवाज़ों को उठाना तेज़ कर दिया देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश में अब एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने की तैयारियों को करने जा रहे हैं इस तैयारियों को क्यों कर रहे हैं इस तैयारियों को करने का रीज़न क्या है आइए आपको विस्तार से संपूर्ण जानकारी देते हैं दोस्तों आपको बता देते हैं कि बिहार उत्तर प्रदेश झारखंड उड़ीसा मध्य प्रदेश मद्रास पंजाब हरियाणा इसके साथ साथ देश के विभिन्न अन्य राज्य यहाँ समय के साथ अलग अलग समय पर चुनाव कराए जाते हैं लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी यह चाहती है कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ कराया जा सकता है या नहीं इस पर लगातार अब एक बार फिर से सुर्खियां बन रही हैं इस पर लगातार एक बार फिर से चर्चाएं हो रही हैं चर्चा इस बात को लेकर के कि कैसे भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दों पर अपने आप को काफ़ी हद तक मजबूत कर पाए बड़ी खबर आइए दोस्तों एक और बड़ी खबर क्यों बढ़ते हैं संपूर्ण शराबबंदी कानून के होने के बावजूद भी गुजरात में अभी तक कई लोगों की जान जा चुकी है और इसी बात को लेकर के परेशान दिख रहे कुछ नेताओं ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार 2015 से लेकर के आज तक कई लोगों के जान जाने का मुख्य भारतीय जनता पार्टी कारण है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि संपूर्ण शराबबंदी हो और आज राहुल गांधी ने भी इस पर ट्वीट किया राहुल गांधी ने कहा कि गुजरात में लंबे वक्त से संपूर्ण शराबबंदी है लेकिन गुजरात में जान गंवाने वाले लोगों पर भी हमें दयावान होना चाहिए क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि गुजरात की हालात क्या हो रही है इधर आम आदमी पार्टी के तरफ से अरविंद केजरीवाल ने भी हमला बोला उन्होंने भी एक के बाद एक अपने काले चिट्ठे खोले और कहा कि ये सिलसिलाएं इस तरीके से कैसे आती जा रही है और इस पर सवाल उठना तो लाजमी था ही बड़ी खबर आइए दोस्तों एक और बड़ी खबर क्यों बढ़ते हैं बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है टीएमसी की के तरफ से टीएमसी के तरफ से ममता बनर्जी ने पार्थ चटर्जी को पार्टी से निलंबित कर दिया है मंत्री पद छिन लिया है और पार्थ चटर्जी ने कहा कि हमें एक षड्यंत्र का शिकार बनाया गया है हम एक षडयंत्र के शिकार हो गए हैं हमें पहली बार पार्थ चटर्जी गिरफ्तारी के बाद में वो बोले और जब बोले तो जमकर बोलते हुए नजर आए लेकिन इसके साथ ममता ने कहा कि पार्थ चटर्जी अगर दोषी हैं तो उन पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए कर जी हाँ ई के कार्य अधिकार क्षेत्र को हम नहीं रोक सकते हम नहीं रोक सकते संविधान को संविधान से सरकार चलनी चाहिए लेकिन अगर किसी पार्टी की छवियों को धूमिल किया जाता है तो ये बर्दाश्त के बाहर है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा यानी पार्टियों की छवियों को बरकरार रखते हुए आप कार्रवाई कर सकते हैं बड़ी खबर आइए दोस्तों एक और बड़ी खबर की बढ़ते हैं आम आदमी पार्टी गुजरात में अपने कदमों को कस कमर को कस संपूर्ण तरीक़ों से ताकत के साथ पाँव को बढ़ाने लगी है अब लगने लगा है कि एक और बदलाव एक और जी हाँ आपको बता दें कि सत्ता पाना हमारे लिए वाकई में बहुत आसान हो सकता है और ये था गुजरात का क्यों गुजरात में आम आदमी पार्टी मैदान जंग का ऐलान करने वाली है लेकिन इससे पीछे वह कई अन्य कारणों को भी बता रही है गुजरात पर निगाहें कई लोगों की है गुजरात पर तो अखिलेश यादव और सुमित तमाम अन्य नेताओं की भी है लेकिन इस पर क्या कुछ अन्य खबरें आ सके और कैसे अपने आप को यह सारे नेता मजबूत कर पाएंगे ये तो वक्त ही बताए ये वक्त के साथ ही सब कुछ खुल सकता है पत्ता और एक एक पत्ता खुलता जाएगा लगातार तस्वीरें आती जाएगी बड़ी खबर आई सामने इस वक्त की और बड़ी खबर है इस वक्त की जी हाँ आपको बता दें कि बारिश को लेकर के मौसम विभाग ने जारी अपडेट के अनुसार एक बार फिर से लोगों को ज़बरदस्त बारिश के नज़ारे अनुभव करने का मौका दिया है मौका इस बात को लेकर के बिहार में संपूर्ण एक बार फिर से जलमग्न होने जा रहा है कई ऐसी नदियाँ उफान पर पहले से थी लेकिन अब चौबीस घंटों के अंदर उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ जिलों में ज़बरदस्त बारिश देखा जा सकता है मौसम विभाग के अपडेट के अनुसार बिहार के अन्य ऐसे कई जिले शामिल हैं जहां बारिश के एक बेहतर नज़ारे बारिश के एक बेहतर तस्वीरें सामने आ सकती है इन तस्वीरों के साथ बदलाव और भी आ सकते हैं दोस्तों आपको क्या आपके ज़िले में बारिश हुई या नहीं हुई आप इसके बारे में कमेंट कर हमें बता सकते हैं हमें आपके प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहेगा आपके जी हाँ लगातार आइए दोस्तों एक और बड़ी खबर की बढ़ते हैं आ, योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से बड़ा हमला बोला है उन्होंने कांग्रेस को कहा कि अगर आपने ल, आ, किसी को अपमानजनक टिप्पणियों से संबोधित किया है आपने अगर अपमान किसी का किया है तो माफ़ी भी आप ही को मांगनी चाहिए माफ़ी मांगने के लिए एक बार फिर से कांग्रेस से अनुरोध करते हुए नज़र आए और उन्होंने कहा कि माफ़ी जल्द से जल्द मांग लें ये ज़्यादा बेहतर है और आपके ही लिए नहीं इस देश के लिए भी नहीं तो इस देश के संविधान में रहें क्या जाएगा किसी को अगर कोई कुछ बोल दे तो ये भला कहाँ का न्याय इसके साथ उन्होंने एक के बाद एक अन्य बातों को रखा तस्वीरें अन्य सामने आई और अब भारतीय जनता पार्टी के तरफ से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जो इस बात को पुष्टि कर रही है इस बात को लगातार बता रही है कि किस तरीके से पार्टी अपने आप को मजबूत कर रही है और हमला है भारतीय जनता बड़ी खबर आ रही है इस वक्त बात करेंगे अखिलेश यादव की तो अखिलेश यादव जो है एक बार फिर से हमलावर हो गए हैं और उन्होंने अक्सर मूड बना लिया है गुजरात चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी एक तरफ अलग मूड मिजाज में, में चल रही है तो दूसरी ओर जी हाँ समाजवादी पार्टी को निगाहें गुजरात चुनाव पर है और समाजवादी पार्टी संपूर्ण ताकतों के साथ गुजरात के चुनाव में मैदान जंग का ऐलान कर सकती है एक बहुत बड़ी खबर आई आज आजकल इतना ही जय हिंद वंदे मातरम प्यार शो बोलिएगा भारत माता की जय लिखना ना